गुरुवार की रात्रि में रामगढ़ थाना क्षेत्रांगत वाहन चालकों से लूटपाट की घटना के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने पत्रकारों को बताया कि थाना को सूचना मिली कि रामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम क्वाम के पास दुमका रामगढ़ मुख्य मार्ग पर एक लाल रंग के बिना नंबर के अपाची मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी कर्मी ट्रक तथा अन्य वाहनों से लूटपाट कर रामगढ़ बाजार की तरफ भाग रहे हैं। उक्त सूचना के संबंध में वरीय पदाधिकारी को थाना प्रभारी रामगढ़ थाना के द्वारा सूचित भी किया गया। तदुपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय दुमका के दिशा निर्देश में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जरमुंडी दुमका के नेतृत्व में पुलिस बल के द्वारा 3 अपराधी कर्मियों का पीछा किया गया। तीनों अपराधी पुलिस बल को देखकर रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिजुआ जंगल की तरफ पहाड़ की तरफ भाग गए। सिजुआ जंगल के पहाड़ के पास ही अपराधी कर्मियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे बिना नंबर की चोरी की अपाची मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया। तदुपरांत तीनों अपराधियों की खोजबीन हेतु अभियान चलाया गया। खोजबीन के क्रम में एक अपराधी सुखमय मोदी को गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से ट्रक ड्राइवरों से लूटा गया 7,020 रुपए तथा मोबाइल फोन तथा लूटपाट करने में उपयोग में लाए जा रहे अवैध लोडेश देशी निर्मित कट्टा तथा एक 8.00 mm का जिंदा कारतूस बरामद जब्त कर लिया गया। दुमका से बसंत भालूटिया की रिपोर्ट। और लेट नाइट में जा रहे थे तो ये जो है दुसाहस वहाँ पर जा कर के कर रहे थे। पुलिस गश्ती में थी नो डाउट, और इसी क्रम में जो है कि पता चला तो फिर इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सड़क पर संदिग्ध अवस्था में देखा गया था उनको, और कुछ आर्म्स के साथ घूम रहे थे और वो अटेम्प्ट भी कर रहे थे डकैती का। तो इस संबंध में जो है कि सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की गई पुलिस की ओर से, और उन एक एक व्यक्ति को जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया गया। वो जंगल की ओर भाग गए थे, सिजुआ जंगल आसपास पास ही में है, तो उस जंगल का भी घेराबंदी किया गया और खोजी कुत्ते वगैरह सब लगाए गए और एक्स्ट्रा फोर्स भी लाया गया, और साथ साथ घेराबंदी के दरमियान एक व्यक्ति उसमें गिरफ्तार किया गया, सुखमय मोदी नाम का व्यक्ति है। और इसी के जो बयान पर और इससे पूछताछ के आधार पर और दो व्यक्तियों के बारे में खुलासा हुआ कि वो भी इसमें संलिप्त थे, और साथ में मोटरसाइकिल भी इसका बरामद हुआ और एक पिस्टल भी साथ में, कट्टा देसी कट्टा और कुछ राउंड उसके गिरफ्तार बरामद हुए हैं। तो इसी क्रम में है गुड्डा पास के ज़िला में, और वहाँ से एक और व्यक्ति को पिछले रात गिरफ्तार किया गया और उसको भी साथ में न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कुल दो गिरफ्तारी हुई है जिसमें एक्चुअली इन्वॉल्व 3 आदमी हैं, 3 व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं जिसमें कि एक फरार है, और दो गिरफ्तारी हुई है और साथ में एक मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा और कुछ राउंड और कुछ कैश भी बरामद हुए हैं। उसको करीब 12,000 कैश जो है दोनों व्यक्ति के पास से बरामद हुए हैं, जिसको जो बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ी वाहन से भी इन्होंने लूटपाट की थी, वो जिससे वो कैश बरामद किया गया। छानबीन कर रहे हैं तो इसमें पता चलता है कि ये पहले भी केसेस में वांटेड होंगे, लेकिन अभी एग्जैक्टली जो केसेस का जो नंबर है वो हम लोग को अभी ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरी उसी तरह के जो मेंटालिटी और इनका जो क्रियाकलाप है, ये पेशेवर अपराधी हैं, और इनकी गिरफ्तारी से आगे जो है कि एक प्रिवेंटिव एक्शन भी हो रहा है, और कुछ पूर्व में जितना इन्होंने कांड किया है उसमें अगर हम लोग को पता चलता है तो उसको रिमांड में लिया जाएगा।